हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल लस्तोगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेसलिंग गुरु जी। तो मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त मैच के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस और एरिक रोवन के बीच हुआ था। आज इन दोनों सुपरस्टार्स का एक फाल्स काउंट एंड इवियर मैच हुआ था जो कि बहुत ही धमाकेदार मैच हुआ। सबसे पहले दोनों सुपरस्टार की रिंग में एंट्री होती है। दोनों खूब अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। दोनों की फाइट बैक स्टेज तक पहुंच जाती है। बाहर लड़ते हैं, अंदर लड़ते हैं, WWE यूनिवर्स के बीच भी लड़ते हैं, काफी जगह पर लड़ते हैं। और सेथ रॉलिंस अनाउंसमेंट टेबल पर स्टॉम्प भी देते हैं। फिर मैच के एंड में सेथ रॉलिंस और एरिक रोवन बैक स्टेज में पहुंच जाते हैं और सेथ रॉलिंस काफी गुस्से में प्रतीत हो रहे हैं। सेथ रॉलिंस ने एरिक रोवन को किसी प्रकार से एक मशीन के नीचे कर दिया है जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गाइस। फिर एंड में सेथ रॉलिंस उस मशीन के ड्राइवर से कहते हैं कि मशीन को डाउन करो और एरिक रोवन को नीचे दबा दो। फिर वो उनके कहने पर मशीन को डाउन करता है और एरिक रोवन नीचे फंस जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस उनके ऊपर खड़े होकर के पिन करवाते हैं और 1 2 3 सेथ रॉलिंस मैच जीत गए। तो कुछ इस प्रकार से सेथ रॉलिंस की मंडे नाइट रॉ में जीत हुई है, जिसे देख के लगता है कि सेथ रॉलिंस आगे फोकस करना चाहते हैं अगले मैच के बारे में जो कि द फिंड से होगा क्राउन ज्वेल में सऊदी अरब में। तो उस मैच के लिए अगर आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।